हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द इंटरव्यू क्वेश्चंस स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ऑफिस एग्जीक्यूटिव इन द डिपार्टमेंट ऑफ WBSEDCL। तो सबसे पहले मैं शाउट आउट देना चाहूँगा मेरे एक सब्सक्राइबर को, मेरे एक व्यूअर को जिनका नाम है जैद। तो उन्होंने मुझे पूछा था या बोला था कि सर आप जो है इस तरीके का जॉब रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस कीजिए जिनमें जो है हम लोग को टैंगल कर सकता है या परेशानी थोड़ा फेस करना पड़ सकता है इंटरव्यू में। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिचुएशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है आप थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। तो आप ही का रिक्वेस्ट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दो वीडियो चेकआउट कीजिएगा ज़रूर। पहला है टॉप 10 टिप्स फॉर पर्सनल इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, किस तरीके से जो है आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए इंटरव्यू रूम में। तो बेसिक जो जनरल पॉइंट्स है जिसके थ्रू जो है आप इंटरव्यू में मार्क्स या पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं वो मैंने डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो टॉप 10 टिप्स फॉर पर्सनल इंटरव्यू उसका जो है पार्ट 1 का वीडियो का लिंक अभी आ रहा होगा। एंड पार्ट 1 देखने के बाद जो है पार्ट 2 देखिएगा, इसमें मैंने कट ऑफ भी डिस्कस किया है। तो वो पार्ट 2 का भी जो है लिंक अभी आप लोग को आ रहा होगा। ये हो गया टॉप 10 टिप्स फॉर पर्सनल इंटरव्यू। इसके बाद अगर इंटरव्यू में आपको जॉब रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा तो इसके लिए पहले आपको जो है जॉब प्रोफाइल जानना जरूरी है कि आपको किस तरीके का काम करना पड़ेगा। तो जॉब प्रोफाइल के ऊपर भी मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है फॉर ऑफिस एग्जीक्यूटिव, उसका भी लिंक जो है अभी आई बटन में आ रहा होगा। उस वीडियो को जो है ज़रूर आप चेकआउट कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि आप लोग का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, पोस्टिंग कहाँ पर होता है, प्रमोशन कहाँ से होता है, डिटेल में सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो उस वीडियो को जो है देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ये वीडियोस देखने के बाद जो है ये मेरा अभी का वीडियो जो है आप चेकआउट कीजिए, तब आप लोग को जो है ज़्यादा सुविधा होगा या फिर हेल्प होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि ऑफिस एग्जीक्यूटिव का जॉब रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को फटाक से तो नहीं पूछेगा। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू आप पे डिस्कस किया जाएगा, आप जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा रिलेटेड टू लाइक आपका जो आप प्रोफाइल जमा किए हैं या जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरे हैं उसके रिलेटेड। आपका घर कहाँ पर है, बेसिक इंट्रोडक्शन जो है आपको प्रिपेयर करके जाना है, घर कहाँ पर है, घर पर कौन कौन रहते हैं, अगर आपका पासिंग ईयर एंड अभी जो साल है उसके बीच में गैप है तो गैप में आप क्या कर रहे थे, कहीं अगर जॉब कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। उस जॉब में आपको क्या क्या सीखने को मिला, आपका स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, उस रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन पूछ देगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बार बार सबको कहता हूँ एंड आप लोग से भी शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा टू द पॉइंट दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो बोल दीजिए कि नहीं पता है, घुमाना नहीं है। जहाँ से आप ज़्यादा घुमाने जाएंगे या आपको क्वेश्चन पता है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर एक्स्ट्रा आंसर देने का कोशिश जब भी करेंगे उसी से जो है आपको फंसाना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपको, जैसे ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि आपको पूछा कि आप कहाँ से रहने वाले हैं तो आप बोल दें फ्रॉम कोलकाता, कोई बोल दिया फ्रॉम कोलकाता सिटी ऑफ जॉय, तो वही पकड़ लेगा कि आप सिटी ऑफ जॉय क्यों बोला जाता है, जॉय का मतलब क्या है। तो इस तरीके का अलग अलग पूछ सकता है। तो जितना आपसे पूछा जाए टू डी पॉइंट आंसर देना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलना है और कम भी नहीं बोलना है। तो वो कला जो है कम्युनिकेशन स्किल आपको घर में प्रैक्टिस करके डेवलप करना है, ठीक है। अगर जॉब रिलेटेड स्पेसिफिकली मैं बोलूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो टोटल तो बता नहीं सकता बट इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा। तो जैसे कि ऑफिस एग्जीक्यूटिव में बहुत लोगों को जो है थोड़ा बिलिंग सेक्शन देना पड़ देखना पड़ता है, बिल डिस्प्यूट्स। तो अगर आपको बोला गया कि सपोज आप ऑफिस में है एंड कोई कंज्यूमर आया बोला कि मेरा बिल ज़्यादा आया है, आपसे पूछ रहा है कि मेरा बिल ज़्यादा क्यों आया है, आप जो है एक्सप्लेन कीजिए। एंड वो कंज्यूमर जो है बहुत ज़्यादा एंग्री है, बहुत गुस्से में है, एकदम गुस्सा होकर आपसे बात कर रहा है, मिसबिहेव भी कर रहा है, मतलब आपसे प्रॉपर मतलब डिसिप्लिन में बात भी नहीं कर रहा है, तो उस तरीके का हाइपर एंग्री कंज्यूमर को किस तरीके से डील कीजिएगा, आपका बेसिक अप्रोच क्या रहेगा। अगर आपका बात मान ही नहीं रहा है तो किस तरीके से उसको शांत करके, किस तरीके से मतलब उसको कन्विंस करके भेजिएगा, तो ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि सपोज़ आपको न्यू सर्विस कनेक्शन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको जो है जॉब अलॉटमेंट दिया आपके SM ने, स्टेशन मैनेजर ने, कि न्यू सर्विस कनेक्शन के लिए जितना भी लोग आएंगे सबका डॉक्यूमेंट सबको वेरीफाई करना है, डॉक्यूमेंट अगर ठीक है तभी जो है उसका फर्दर आपको जो है प्रोसेस करना है, या तो मेरे पास या तो असिस्टेंट इंजीनियर को भेजना है या फिर जूनियर इंजीनियर को भेजना है।
अब सपोज कोई ऐसा कंज्यूमर आता है जो हाईली इन्फ्लुएंशियल है, चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन है या कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर, कुछ भी हो सकता है, एंड उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, नहीं है, बट आपके ऊपर बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि आप जो है मेरा कर दीजिए, मेरा ये है वो है, इलाका में ऐसा जान परिचय है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे कंज्यूमर को कन्विंस कीजिएगा, कैसे आप काम कीजिएगा, आप डिपार्टमेंट का गाइडलाइंस कैसे फॉलो कीजिएगा, इस सिचुएशन के बारे में जो है आप बताइए, ये आपको बोल सकता है, ठीक है। और एक सिनेरियो सपोज़ बोल सकता है कि आप जो है एक रेट प्रोग्राम में गए, एक डिस्कनेक्शन का प्रोग्राम में गए, कि जिनका जिनका भी ड्यूज है बहुत ज़्यादा, आपका ऑफिस से एक टीम गया है, वो टीम में आप भी है, एंड आपको जो है उनका लाइन डिस्कनेक्ट करके आना है कंज्यूमर का। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर आप किसी का घर में लाइन काटने जाइएगा तो कोई तो बोलेगा नहीं कि हाँ आइए आप लाइन काट के चले जाइए, कुछ तो रेजिस्टेंस करेगा, तो कोई पीसफुली रेजिस्टेंस करता है, कोई वायलेंटली रेजिस्टेंस करता है। तो अगर कोई कंज्यूमर थोड़ा आपका टीम के साथ वायलेंट हो जाता है या मतलब कुछ एब्यूसिव लैंग्वेजेस का यूज़ करता है, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कीजिएगा, आप किस तरीके से जो है उस कंज्यूमर का लाइन डिस्कनेक्ट कीजिएगा, या डिस्कनेक्ट नहीं करके ही आप लौट जाइएगा, तो कैसे आप रिएक्ट कीजिएगा, कैसे सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा, ये आप बताइए। तो ये एक हो गया प्रैक्टिकल सिनेरियो आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिनेरियोस है, बहुत सारे सिचुएशंस है, जैसे कि आप अगर इससे पहले कहीं पे जॉब किए हुए हैं तो आपसे पूछ सकता है कि प्रीवियस जॉब के बारे में बताइए, एंड प्रीवियस जॉब से ऐसा तीन पॉइंट या तीन क्वालिटी आप बताइए जो कि आपने सीखा है, जो इस वाला जॉब में ऑफिस एग्जीक्यूटिव का जॉब में आपको जो है बेनिफिट देने वाला है या हेल्प करने वाला है, ऐसा कुछ बताइए नॉलेज जो आपको प्रीवियस जॉब से मिला है जो इसमें हेल्प करने वाला है, तो वो भी आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके का बहुत अलग अलग क्वेश्चंस आपसे जो है पूछ सकता है, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है या ऑन द स्पॉट आपको जो है सोच के आंसर देना है। अब ये सब क्वेश्चन के लिए आप पहले से प्रिपेयर कर नहीं सकते हैं, आप जो है हाँ जो लोग ऑलरेडी डिपार्टमेंट में हम लोग का काम कर रहे हैं उनसे जाकर थोड़ा बहुत अगर कोई जान परिचय है बातचीत कर सकते हैं, या फिर खुद से आप सोच सकते हैं, या फिर मेरा जो इससे पहले वीडियो बना हुआ है अबाउट जॉब प्रोफाइल, वो जॉब प्रोफाइल में मैंने एक एक पॉइंट डिस्कस किया है कि आप क्या क्या काम करना पड़ सकता है, तो वो काम रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, या आप मेंटली खुद से प्रिपेयर करके क्वेश्चन आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्रिएटिवली सोच के आंसर देना है सिचुएशन ओरिएंटेड, तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बस ओपन माइंड रखना है, रिलैक्स्ड रहना है, एंड जो है हर पॉसिबल वे से आप जो है शांति से उस सिचुएशन को सोच के आंसर दीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर करेक्ट आंसर नहीं होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में होता है कि अगर आंसर आपका लास्ट में 10 आना है तो 10 ही आना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, हो सकता है जज या जो आपका इंटरव्यू ले रहे उनका माइंड में अलग आंसर है एंड आप जो है अलग आंसर दिए, हो सकता है दोनों सही हो, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा घबराने वाला बात नहीं है, जस्ट अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करना है, थोड़ा ओपन माइंड रहना है, एंड हो सके तो घर में अपने दोस्तों के बीच में ये सब चीज़ जो है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए। मेन होता है कम्युनिकेशन स्किल, अगर कम्युनिकेशन स्किल आपका सही है, आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे पा रहे, थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो से थोड़ा बहुत आप लोग को एक आइडिया हुआ कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर होकर जाना है, एंड क्या माइंड सेटअप आपका होना है, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर कुछ आपका डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने वाला हूँ। अगर कुछ आपका सजेशन है, कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप मेंशन कीजिए। तो अगर ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड इफ़ यू गाइज आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो सी यू गाइज सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू गाइज प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।